ये बीमारी जो है इंसानों से इंसानों में फैलती है, जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती, जिसका मतलब है गोश्त खाने से बीमारी नहीं लगेगी आपको, अलबत्ता गोश्त को अच्छी तरह पका लें ताकि आपको और कोई इन्फेक्शन ना लगे। घर के पालतू जानवर या गाय बकरी वगैरह से ये बीमारी नहीं फैलती। क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्शन है तो इस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अलबत्ता याद रखें कि 98% लोग जिनको ये इन्फेक्शन है वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और जिसम इस वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब होता है। अगर आपने कोई और चोट के सुने हैं तो इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं है, जिसके अंदर माउथ वॉश इस्तेमाल करना, लहसुन इस्तेमाल करना, ढेर सारा पानी पीना, नींबू इस्तेमाल करना, इन सब चीजों की कोई तस्दीक नहीं हुई है कि क्या ये वायरस से बचाता है कि नहीं बचाता। इस इन्फेक्शन से बचने के दो बेहतरीन तरीके अपने हाथ साफ रखना है और अपने आंख और मुंह को कम से कम छूना है। बीमारी के अलामत 12 से 14 दिन में जाहिर हो सकते हैं। हमारी हुकूमत ने चीन से लौटने वाले लोगों से रास्ता कायम रखा हुआ है और वो उनसे रोज या एक दो दिन बाद पूछते रहते हैं कि उनको कोई अलामत हुई कि नहीं है। इस वजह से प्लीज परेशान मत हो, घबराए मत, हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है ताकि बीमारी इस मुल्क में ना फैले। इस हसास वक्त में हमारी गुजारिश होगी कि किसी भी बात को फैलाने से पहले, किसी को किसी से बात करने से पहले तस्दीक कर लें कि क्या जो आप कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। थैंक यू।